साईं राम। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जो कि हमेशा के लिए याद रहता है। ऐसा ही एक दिन होता है सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट। कुछ लोग पार्टी का जश्न मनाते हैं, कुछ अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, मगर भोपाल के साईं भक्त रमेश कुमार महाजन ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर 3700 किलो खिचड़ी बनाकर 15,000 लोगों के साथ रिटायरमेंट का जश्न मनाया, बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाने का कारनामा कर दिखाया। जानकारी के अनुसार श्री रमेश कुमार महाजन BHEL में पिछले 37 वर्षों से कार्यरत थे और अप्रैल 2023 को वो रिटायर हुए। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वो 3700 किलो खिचड़ी बनाएंगे। उन्होंने अपने मित्रों से सलाह मशवरा किया और अवधपुरी में आधारशिला स्थित श्री साईं मंदिर में 3700 किलो खिचड़ी बनाने का संकल्प पूरा कर दिखाया। इस पूरे खिचड़ी बनाने के कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवाई गई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। अब यह खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। ज्ञात रहे, अब तक वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 1995 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे रमेश कुमार महाजन ने तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अवधपुर स्थित साईं मंदिर के संस्थापक रमेश महाजन समय समय पर अनेक ऐतिहासिक व साहसिक कार्य कर चुके हैं। 11 अक्टूबर 2008 में उन्होंने श्री साईं मंदिर में श्री साईं बाबा की स्थापना की थी। इस खिचड़ी बनाने में करीब 25 लोगों की टीम उपलब्ध रही, जिसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर व गजेटेड ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। 2 टन 40 किलो वजनी हांडी में प्रातःकाल से ही खिचड़ी बनने प्रारंभ हो गई और खिचड़ी बनाने में 65 किलो आलू, 65 किलो कद्दू, 65 किलो गोभी, 65 किलो पत्ता गोभी, 25 किलो गाजर, 50 किलो बरबटी, 4 किलो हरी मिर्च, 4 किलो अदरक, 7 किलो धनिया, 350 किलो चावल, 60 किलो हरी मूंग दाल, 40 किलो अरहर दाल, 20 किलो चना दाल, 40 किलो मटर, 15 किलो मूंगफली दाना, 104 लीटर तेल, 3 किलो मखाने, 3.5 किलो हल्दी, 300 ग्राम हिंग, 3 किलो जीरा व 1 किलो 300 ग्राम कश्मीरी मिर्च इस्तेमाल हुई। 3700 किलो खिचड़ी बनाने में करीब 6 घंटे का वक्त लगा और इसे बनाने में करीब 5 लाख रुपए का खर्चा आया, जो रमेश कुमार महाजन वहन करेंगे। 3700 किलो खिचड़ी प्रसाद को करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। रमेश कुमार महाजन और उनके सभी साथी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टी शर्ट व कैप लगाए हुए थे। इस पूरे कार्यक्रम में रमेश कुमार महाजन को कमलेश नागपुरे, पुष्पराज रघुवंशी, शशि कुमार और अन्य साथियों का सराहनीय योगदान रहा। वहीं रमेश कुमार की धर्मपत्नी श्रीमती उज्ज्वला महाजन ने भी कहा कि वो इनके प्रत्येक धार्मिक कार्य में सक्रिय रूप से सहयोग करती हैं और मदद करती हैं। अब जब वह सेवानिवृत्त हो गए हैं तो हम अपना पूरा समय मंदिर को समर्पित करेंगे। मंदिर में आने वाले प्रत्येक साईं भक्त ने रमेश महाजन और उनकी पूरी टीम की सराहना की और स्वादिष्ट खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। सिमरन लालवानी, साईं लीला टाइम्स, भोपाल। कृपया साईं लीला टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 24 घंटे शिरडी साईं बाबा से जुड़े रहने के लिए साईं लीला टाइम्स इंटरनेट FM रेडियो लॉग इन करें। ओम साईं राम।